टीवी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। आमगांव लांजी चेक पोस्ट पर 3,79,000 जब्त किए गए, जहां लांजी जांच नाके पर एसएसटी दल के प्रमुख आमगांव के विस्तार अधिकारी डीबी पटेल ने रिसामा निवासी अशोक सत्यनारायण मोदी की फोर व्हीलर वाहन से 3,79,530 रुपए बरामद किए हैं। उक्त राशि जब्त कर आमगांव कोषागार कार्यालय में जमा कर दी है। उल्लेखनीय है कि आमगांव विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार का माहौल है। प्रशासन ने चुनावी हथकड़े व बाईपास मार्ग से होने वाली अवैध गतिविधियों पर रोक लगा दी है। रोक लगाने के लिए शासकीय अधिकारी व कर्मचारी मुस्तैदी के साथ अपने ड्यूटी निभा रहे हैं। जहां दूसरी ओर से खबर आ रही है मुंडी कोटा से, जहां जंगली सुअरों के आतंक से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। ग्राम पाटिल टोला के रहवासी राजेश मरसकोले के खेतों में जंगली सुअर के आतंक से धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। लगभग जहां 2 एकड़ में उसने धान की फसल लगाई थी, फसल खड़ी होते ही जंगली सुअर के आतंक से नुकसान हो गया। इन दोनों सुअरों का आतंक बना हुआ है, जहां ग्रामीण व राजेश के परिजनों ने शासन से मुआवजे की मांग की है। दूसरी ओर से खबर आ रही है गोंदिया मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से, जहां लावनी निवासी रमेश पटेल 65 वर्ष के बताए जा रहे हैं, जंगली सुअर के हमले से वृद्ध को बुरी तरह से घायल कर दिया है। पटले खाटी टोला भानपुर जंगल मार्ग पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया है, जिससे वह मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो चुके हैं। उसे मेडिकल में रवाना कर दिया गया है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद। Thank you.